स्टूडेंट्स आपका वेलकम है एचएमटी के 8वीं क्लास में। ठीक, अभी हम लोग क्वेश्चन लगाए हुए थे कंडक्शन पे, कन्वेक्शन पे, रेडिएशन पे, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है ये बताए हैं, हीट क्या होता है ये बताए हैं। ठीक, अब देखिए क्या है कि सॉलिड में जो हीट कंडक्ट होता है वो कौन कौन से मैकेनिज्म से होता है। सॉलिड में जो हीट कंडक्ट होता है वो कौन कौन से मैकेनिज्म से होता है, मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड। ठीक, सॉलिड में कौन कौन से मैकेनिज्म से हीट कंडक्ट होता है, हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या कहते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीन मोड होता है। तो सॉलिड में किस मैकेनिज्म से होता है, सॉलिड में जो मैकेनिज्म होता है वो पहला होता है बाई लैटिस वाइब्रेशन। पहला क्या होता है, बाई लैटिस वाइब्रेशन, और सेकेंड होता है बाई ट्रांसपोर्ट ऑफ सक्रिय इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई मैकेनिज्म लगा होता है। ठीक, तो सॉलिड में जो हीट कंडक्शन होता है उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म होता है, एक होता है बाई लैटिस वाइब्रेशन, एक होता है बाई ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप पूछेंगे कि ये लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है। ठीक, कोई जानना चाहेगा कि लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है अपनी। ठीक, ये बॉडी बहुत से मॉलिक्यूल से मिलके बनी होगी, ये बॉडी बहुत से मॉलिक्यूल से मिलके बनी होगी। अब ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है, बहुत से मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। अब इस मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। इन मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ऐसे ही सभी मॉलिक्यूल्स का होगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा। सेकेंड मॉलिक्यूल है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा। थर्ड मॉलिक्यूल है, इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा। ऐसे जितने मॉलिक्यूल हैं सबका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। ठीक है, बट चीज क्या है इसमें, कैच पॉइंट क्या है कि सभी मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा, वो सेम नहीं होगा। वो आइडेंटिकल ना होके क्या होगा, किसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसी का टेम्परेचर आपका कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। मतलब मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अलग अलग टेम्परेचर पे होंगे। ठीक है, और आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, मोशन होगा। आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, मोशन होगा। उस मोशन को ही क्या कहेंगे हम, मान लो मूवमेंट होगा, उस मोशन को ही कह लो मूवमेंट होगा। अब जब मूवमेंट होगा आपस में, जब मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स मूव होंगे तो आपस में मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, कोलिजन। आपस में मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, कोलिजन। कोलिजन मतलब कोलाइड होंगे, कोलाइड मतलब क्या होता है, आपस में टकराना। ठीक है, आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, कोलाइड होने लगेंगे। जब कोलाइड होने लगेंगे तो
वो मॉलिक्यूल्स जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो ऐसे मॉलिक्यूल से कोलाइड होगा, जिसका टेम्परेचर कम है। एक मॉलिक्यूल का ज्यादा टेम्परेचर, एक मॉलिक्यूल का कम टेम्परेचर, दोनों में क्या हुआ, सभी मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट हुआ। तो जब ये मूवमेंट होगा, मोशन होगा, तो ये आपस में इनका क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो वो मॉलिक्यूल जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो जब किसी वेलोसिटी के साथ किसी चीज से लड़ेगा, इम्पैक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। हीट कहाँ से फ्लो होगा? जो हाई टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल है आपका, वहां से फ्लो होगा। किस साइड जाएगा? जो लो टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल है उस साइड पे जाएगा। ठीक, तो यही जो इस मेथड से, इस ढंग से जो हीट का फ्लो होता है सॉलिड में, उसी को कहते हैं लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, अब सेकेंड क्या है, बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड जो मैकेनिज्म है वो क्या है, बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे देखिए, कंडक्शन, हीट कंडक्शन में जो मैकेनिज्म है वो सेकेंड क्या है, ट्रांसपोर्ट कह लीजिए या ट्रांसफर कह लीजिए, एक ही चीज है वो। ठीक, इसको आप ज्यादा सही कहना है तो इसको ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, बाई ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, क्या ध्यान होगा, तो कोई बॉडी होता है, ठीक, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक, प्रोटॉन का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका साइन क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, तो जो सॉलिड में मैकेनिज्म है कंडक्शन में हीट का, वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसमें क्या होगा कि किसी बॉडी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी बॉडी है उसमें भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स। ठीक, ये क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमेशा आपका निगेटिव होता है। तो क्या होगा, यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स बनने का मतलब क्या है, डिफरेंस इन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक, उसमें फ्लक्स बनेगा, वो मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में गैप होगा, चार्ज पार्टिकल्स का गैप होगा, उसी को हम कहते हैं फ्लक्स। इस फ्लक्स बनने की वजह से जो हीट फ्लो होगा वो आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के साइड में होगा। आई बात समझ में? मैं कहना क्या चाहता हूं, सॉलिड में जो हीट कंडक्शन होता है उसका मैकेनिज्म होता है, मतलब तुम अभी तक ये पढ़े कि सॉलिड में जो हीट का एक्सचेंज होता है वो कंडक्शन मोड से होता है। कंडक्शन क्या है आपका, एक मोड है
हीट ट्रांसफर का। कंडक्शन क्या है? एक मोड है हीट ट्रांसफर का, बट उस मोड में मैकेनिज्म क्या है सॉलिड में कंडक्शन होने के लिए? वो है लैटिस वाइब्रेशन और ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लैटिस वाइब्रेशन में जो मैंने अभी बताया है अभी कुछ समय पहले कि मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में कोलाइड होंगे। मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसी सर्टेन टेम्परेचर में होंगे, आपस में कोलाइड होंगे, कोलिजन होगा। तो वो मॉलिक्यूल्स जिसका ज्यादा टेम्परेचर है वो जब कोलाइड होगा ऐसे मॉलिक्यूल से जिसका टेम्परेचर कम है तो उससे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा, हीट ट्रांसफर होगा। कहां से? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है बॉडी है उसमें क्या होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उन दोनों के बीच में गैप होगा, उस गैप को हम कहते हैं फ्लक्स। इस फ्लक्स के जनरेट होने की वजह से जो हीट फ्लो होगा वो कहां से होगा, हाई टेम्परेचर से जाएगा लो टेम्परेचर के साइड में। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से एक बार उसको। आइए आगे चलते हैं। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड। अब देखिए आगे क्या है, जब मैं पहले आप लोगों को पढ़ाया हूं कन्वेक्शन, ठीक, जब कन्वेक्शन पढ़ाया हूं, कन्वेक्शन भी क्या है, एक मोड है हीट ट्रांसफर होने का। तो कन्वेक्शन का भी क्लासिफिकेशन होता है, जो कन्वेक्शन होता है वो भी कई टाइप का होता है। हम यहाँ पे दो टाइप का पढ़ेंगे, मतलब कि हेडिंग क्या होगी अपना, कन्वेक्शन का क्लासिफिकेशन, या ऐसे कह लीजिए टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, या इसी को कहते हैं हम, दूसरा नाम होता है इसका फ्री कन्वेक्शन। ठीक, और दूसरा होता है फोर्स कन्वेक्शन। ठीक, कन्वेक्शन हम लोग पढ़े हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है, बॉडी होती है, उसके आसपास क्या होता है, एक मीडियम होता है, वो मीडियम अपना फ्लूइड होता है, फ्लूइड में लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक, जो फ्लूइड का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जो बॉडी होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस मीडियम के थ्रू हीट क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो कन्वेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन, और दूसरा होता है फोर्स कन्वेक्शन। अब आप लोग पूछेंगे कि नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है या फ्री कन्वेक्शन क्या होता है। ऐसे मोड का हीट ट्रांसफर जो कि क्या हो, डेंसिटी के चेंज होने की वजह से हो, ठीक, ऐसा कन्वेक्शन जिसमें डेंसिटी के चेंज होने की वजह से हो उसको हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन। ये क्या होता है, ये अपने आप से होता है डेंसिटी चेंज होने की वजह से। ठीक, या देखिए सपोज कीजिए कि ये अपना एक क्या है, वेसल है। ये क्या है, एक वेसल है, इसमें क्या है, पानी है, यहां से हमने क्या किया, नीचे से इसको हीट सप्लाई दिया, यहां से इसको क्या किया,
हीट सप्लाई बहुत से वे से दिया जा सकता है। आप मान लीजिए कोल को एज अ फ्यूल यूज किए, जलाए, कोयले को जलाए, ये वेसल है, वेसल समझ लीजिए क्या है, बॉयलर मान लीजिए, ठीक है, बॉयलर मान लीजिए। अब जब ये हीट जाएगा यहाँ पे, तो इस पानी को क्या कहेगा, इस वाटर को, ये हीट जो है इस पानी को क्या कहेगा, हीट करने लगेगा। मतलब कि इस पानी का जो टेम्परेचर है पहले जितना था उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो आप सभी लोग जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए, जिसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है या कम होता है? जिसकी डेंसिटी कम होती है उसका मास भी क्या होगा, कम होगा। मास कम होगा तो वो चीज क्या होगी, हल्की होगी। जब मास कम होगा तो वो चीज क्या होगी, हल्की होगी। और जब कोई चीज हल्की होगी तो वो गैस के फॉर्म में है तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर के साइड में जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, हम लोग मेला वाला में जाते हैं तो बलून होता है, एक बलून होता है, एक बलून सामान्य होता है जिसमें हवा को फिल किया जाता है और धागा से बांधे हैं, धागा छूटेगा तो वो हवा में उड़ेगा नहीं। बट एक बैलून क्या होता है जिसमें हवा ना होके हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस होती है, और जो हीलियम गैस होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो हल्की गैस होती है। हल्की गैस होने का मतलब क्या है कि हीलियम की जो डेंसिटी है वो भी कम होती है, जो मास होता है वो भी कम होता है। हीलियम का डेंसिटी और मास दोनों क्या होगा, कम होगा। जब डेंसिटी कम है तो मास कम है, तो ये धागा जब छूटेगा तो ये बलून कहाँ जाने लगेगा, आसमान में जाने लगेगा, उड़ने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज हुआ, ऐसे ही क्या हुआ, हम यहाँ पे थे, देखिए क्या होगा कि जब हम हीट किए, पानी हीट होगा, पानी हीट होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस साइड जो नीचे है यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पानी है वहां पे तो अभी हीट पहुंचा नहीं है, अभी स्टार्टिंग है मान लीजिए हीट करने का, तो यहाँ पे पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्या है, अभी कम है। यहाँ पे जो आग के नजदीक है उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे पानी जो आग के उतना नजदीक नहीं है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ जिस पानी का, वो पानी वाला हिस्सा धीरे धीरे कहाँ जाने लगेगा, हल्का होने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। और ये पानी का हिस्सा जिसका टेम्परेचर अभी कम है वो क्या होने लगेगा, स्लोली स्लोली नीचे आने लगेगा। और इस वे में, इस वे में ये नीचे से जो पानी का हिस्सा है वो ऊपर जाने लगेगा हीट होगा तो, और ऊपर वाला जो पानी का हिस्सा है जो कम टेम्परेचर पे है वो कहाँ जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा। मीडियम क्या है यहाँ पे, पानी। तो इस वे में जो कन्वेक्शन हुआ उसी को हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन। आई बात समझ में, जो अपने आप से हो, डेंसिटी के चेंज होने की वजह से हो, डेंसिटी चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा तो मास चेंज होगा, मास चेंज होगा मास घटेगा तो वो चीज क्या होगी, हल्की होगी, हल्की होगी गैस के फॉर्म में आएगी तो वो ऊपर जाएगी, जिसका मास ज्यादा है डेंसिटी ज्यादा वो नीचे जाएगा। तो इस वे में, इस वे में एक साइकिल बन जाएगा, ठीक, ऐसे बन जाएगा, इसी को आप कहेंगे नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन, ठीक। अब आ जाइए सेकेंड क्या है, फोर्स कन्वेक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि नाम है इसमें क्या होगा, ताकत का इस्तेमाल होगा, इसमें क्या होगा, ताकत का इस्तेमाल होगा, ठीक। हम ताकत लगाएंगे, ताकत लगाएंगे मतलब क्या, हाथ से ताकत नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बोझा उठाना या सामान उठाना, हम क्या करेंगे इसमें फोर्स कन्वेक्शन में, फैन या
पंप का इस्तेमाल करेंगे। फोकस कन्वेक्शन में क्या होगा, फैन का, पंप का यूज किया जाएगा। ठीक, जैसे कि आप लोग अपने लाइफ में देखे भी होंगे, कहीं चाय वाय की दुकान पे जाते होंगे, वहां पे मिट्टी का भट्टी बना होता है, कोयला होता है, उसको कोल को जलाया जाता है, और जब थोड़ा आग पकड़ता है तो उसके बाद वो तेजी से आग फैले, हीट पहुंचे चाय वाले कंटेनर तक। उसके लिए क्या किया जाता है, वहां पे जो दुकान वाला बैठा होता है वो एक पंखी टाइप का लिया होता है और उसको ऐसे ऐसे वहां पे जहाँ पे आग लगी होती है ऐसे ऐसे हिलाता है। जब वो ऐसे ऐसे हिलाता है तो उसने किस चीज का यूज किया है, फैन का। भाई फैन एक ये होता है जो बिजली से चलता है, एक होता है जो हाथ से भी चलता है, उसको हम लोग अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते होंगे पंखा, मान लीजिए पंखा। ठीक, तो ये क्या होगा, यहां पे उसने क्या किया, उस फैन का यूज किया। तो वो कन्वेक्शन जो केवल डेंसिटी चेंज होने की वजह से ना हो, जिसमें हम फैन, पंप, ब्लोवर एटसेट्रा इस सब का इस्तेमाल करें, यूज करें, तो वो कौन सा कन्वेक्शन हो जाएगा, फोर्स कन्वेक्शन। आई बात समझ में, ये हो गया आपका कन्वेक्शन। ये क्यों बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं कि जब आपसे नेचुरल कन्वेक्शन पूछेगा, जब आपसे कन्वेक्शन पूछेगा तो आप कन्वेक्शन लिखेंगे, कन्वेक्शन पे कौन सा लॉ फॉलो होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या कहता है, क्यू इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ। ठीक है, अब कन्वेक्शन कितने टाइप का होता है, तो नेचुरल कन्वेक्शन इसी को कहते हैं फ्री कन्वेक्शन, दूसरा क्या होता है फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है, अपने आप से डेंसिटी चेंज होने की वजह से होता है। फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है कि फैन या पंप का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उससे आपका हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। होपफुली ये दोनों चीजें जो टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन में बताया हूँ, और उसके अलावा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड और टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। होपफुली कोई डाउट होगा तो वो क्लास में मुझसे पूछिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।